जंग। जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी गली में एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, वकला बरादरी, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सब ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साथी इसाक ने कहा कि मीर शकील रहमान को सच दिखाने पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। मीर शकील रहमान नाजायज तौर पर पाबंद सलासल हैं, नेब जो कि अपने कानून के तहत उनको सही तौर पर कानूनी पेचीदगियों में उलझाए हुए हैं। कभी बेंच टूट जाता है, कभी उनको पेश नहीं किया जाता, कभी बेल उनकी नहीं सुनी जाती। सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट फरहान इलियास ने कहा कि हुकूमत सिर्फ आज़ादी सहाफत के सिर्फ दावे करती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। शकील साहब जब तक रिहाओ के यहां पर नहीं आएंगे, जब तक ये हम एहतजाजी कैंप जारी रखेंगे। मुजाहिरे से मारूफ कानूनदान मोहसिन ऐवान, जनरल सेक्रेटरी एपनेक शकील यामिन कांगा, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज़ यूनियन दारा जफर, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना यूसुफ और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अदनान अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची।